इमरान हुसैन हमारी सरकार के मंत्री, वो जब सचिवालय में अंदर प्रवेश करने की कोशिश उन्होंने करी तो वहीं पर उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई। उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई और उसमें उनके जो साथ में लोग थे उनके ऊपर काफी हिमांशु करके उनके साथ उनके सहायक थे, उनको चोट लगी, उनको मारा गया। इसमें जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट से दिल्ली सरकार चलती है, वहां पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं और हाई सिक्योरिटी जोन है तो वहां पर दिल्ली पुलिस की पूरी सुरक्षा रहती है। आप लोग भी जब वहां जाते हैं तो आप देखते हैं कि मीडिया के लोग भी बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे और उग्र हो गए। पहले मुझ पर हमला किया, 15 मिनट बाद इमरान हुसैन पर हमला किया। दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन वहां पर उस मॉब को हटाने की कोशिश नहीं की गई, इन घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं की गई। दोनों घटनाक्रम में, चाहे मेरे ऊपर हमला हुआ या इमरान हुसैन के ऊपर हुआ, हमारे अपने स्टाफ ने और मेरे पीएसओ ने मुझे बचाया, लेकिन वहां पर जो दिल्ली पुलिस की वहां मौजूदगी थी उन्होंने कोई कदम वहां पर नहीं उठाए। दूसरा, इतने बड़े तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाएं और दिल्ली सेक्रेटेरिएट को एक राइटिंग प्लेस में कन्वर्ट कर दें, वहां पर दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न कर दें, तो ये किसकी शय पर हो रहा है? क्या वो वहां के कर्मचारी थे, बाहर से लोग वहां पर आए, बाहर से लोग इतनी बड़ी तादाद में अंदर कैसे आ गए, कौन उनको प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, कैसे उनकी हिम्मत हुई, किसकी शय है? और पांच छह घंटे हो गए हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि सब कुछ सीसीटीवी पर है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर मंत्रियों पर इस तरीके से हमला हुआ, उसमें कुछ भी हो सकता था, गंभीर चोट भी आ सकती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में किसी और राज्य में, किसी और राज्य के सचिवालय में वहां के मंत्रियों पर इस तरीके से हमला हो जाए और वहां पर सारा घटनाक्रम सीसीटीवी पर कैद हो और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, किसी की गिरफ्तारी ना हो, किसी को चिन्हित ना किया जाए? राजनाथ, मैंने कंप्लेंट भी करी है पुलिस में, इमरान हुसैन जी ने भी कंप्लेंट करी है पुलिस में और मैंने माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से और एलजी साहब से समय मांगा है मिलने का और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तत्परता के साथ गृह मंत्री और एलजी साहब एलजी से मिले, आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन के लोगों से मिले हैं, उसी तत्परता के साथ वो हम लोगों से भी मिलेंगे और पूरी घटना का सच जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने देखा कि एक राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया है कि कौन इसमें दोषी है और बाद में उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि मैंने इसकी जांच भी ऑर्डर करी है। तो अगर आपने पहले से ही तय कर लिया है कि इसमें गिल्टी पार्टी कौन है तो उस जांच का क्या अर्थ है? फिर आपको पहले एक गृह मंत्री के तौर पर पूरे घटनाक्रम की जांच करवानी चाहिए थी, बयान दर्ज करवाने चाहिए थे, पता करना चाहिए था कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है और उसके बाद देश के गृह मंत्री होते हुए आपको फैसला करना चाहिए था कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनाथ सिंह जी ने पहले ही एक पार्टी से मिलकर, एक पक्ष से मिलकर अपना फैसला सुना दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारा पक्ष भी सुनेंगे और एक निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जांच इस पूरे मामले की करवाएंगे। थैंक यू।